नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 3 रिचर सुरेख समीकरण युग्म के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे। हमने द्विचर अर्थात होता है दो चर ए एक्स और बी वाई, एक्स और वाई दो चर हैं। सुरेख अर्थात उसकी घात एक एक है एक्स की और वाई की, इसे क्या कहेंगे द्विचर सुरेख समीकरण। द्विचर सुरेख समीकरण का व्यापक स्वरूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य। अब युग्म द्विचर सुरेख समीकरण युग्म की बात करते हैं तो दो समीकरण जब हम लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, ये दो क्या हुए समीकरण युग्म हुए, जहाँ पर ए बी और सी जो है वो क्या है वास्तविक संख्या है। क्या है सर वास्तविक संख्या। कक्षा 9 में जैसे हमने पढ़ा जब हम कोई भी समीकरण का हल ग्राफ पर लेंगे तो रेखाएं प्राप्त होती है, तो पहले समीकरण की रेखा L गिनते हैं और दूसरे समीकरण की रेखा M गिनते हैं। तो यदि हमें आलेख पर दोनों के चित्र इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए मालूम होते हैं तो L प्रतिच्छेद M बराबर P, उसका बिंदु पी एक्स वाई आलेख पत्र पर x और y के याम दर्शाते हैं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी प्रतिच्छेदित करेंगी, दो समीकरण युग्म क्या करेंगे उसका हल मिलेगा। यदि मान लो इस प्रकार की आकृति आती है तो L और M समांतर यानी एक दूसरे को हम प्रतिच्छेदित करते नहीं है यानी इसका हल हमको प्राप्त होगा नहीं। और यदि तीसरे नंबर की कंडीशन जो है L और M एक दूसरे पर संपाती है, संपाती यानी एक ही रेखा है L और M, तो L प्रतिच्छेद M बराबर L या M होगा अर्थात इनका हल पूरे की पूरी दोनों रेखा है। ओके okay?